नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीम और गाजर का अचार बनाएंगे। देखिए, सीम को दोनों तरफ से कट कर लिए हैं और बीच से फाड़ कर इनमें से चेक कर लिए हैं कि इसमें कीड़ा तो नहीं है। देखिए दोस्तों, सभी को हम चेक कर लिए हैं इस तरह से, और इसे हम अच्छी तरह से धो लिए हैं। गाजर को भी ऊपर का छिलका को थोड़ा थोड़ा हटा दिए हैं और इसे भी धोकर काट लिए हैं। और गाजर को तो दोस्तों हम कच्चा डालेंगे, लेकिन सीम को हम भाप में पकाएंगे 5 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों, एक बड़ा बाउल लिए हैं, उसमें हम पानी ले लिए हैं और उसको हम इस पर हम एक जाली वाला थाली रख देंगे और इसी पर हम ये सभी सीम को फैला देंगे, एक एक करके सभी को फैला देंगे। देखिए फैला दिए हैं, ऐसे हम ढक्कन ढककर 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया है, हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो गया। देखिए ये थोड़ा बहुत ये पक चुका है हल्का। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। देखिए मसाले में हम 4-5 लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 1 हाफ चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ और 1/2 चम्मच जवाइन मंगरैल और 1/4 चम्मच मेथी दाना लिए हैं। सभी को हम देखिए तवा गर्म हो गया है, इस पर हम रोस्ट कर लेंगे। इसको ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इसका कच्चापन को हटाना है। इसमें खुशबू आने लगेगा तो इसे हम बंद कर देंगे। देखिए तवा गरम था, भुना गया है, हम गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। और इसमें देखिए सरसों रखे हैं, सरसों को भी डाल दे रहे हैं क्योंकि सरसों को भूनना नहीं है, इसको सिर्फ गरम करना है। और इसे हम ठंडा होने दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, सीम को भी हम एक बर्तन में फैला दिए हैं और गाजर को भी है, दोनों को हम 2 घंटा के लिए धूप में रखेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो निकल जाए। चलिए दोस्तों, 2 घंटे बाद हम मिलते हैं। दोस्तों सीम और गाजर को हम धूप में डाल दिए हैं, तब तक हम इसका मसाला भी बनाकर रख लेते हैं। देखिए मसाला ठंडा हो गया है, अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। चलिए दोस्तों हम पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1 घंटा हम इसको धूप में रखे थे और हमें 1 घंटा हो गया। अब इसमें हम मसाला मिक्स करेंगे, इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए दोस्तों, हम इसे बाउल में डाल दिए हैं, उसमें हम देखिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, नमक हम डाल दिए हैं। अब 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च दिए हैं। अरे देखिए, कुछ खड़े मसाले हैं, सौंफ और जवाइन मंगरैल, इसको भी हम डाल दे रहे हैं। अरे मसाले, ये सभी मसालों को हम पीस के रखे हैं, उसको भी हम डाल दे रहे हैं। हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा कर रख रहे हैं। और देखिए दोस्तों, ये तेल को हम गरम करके ठंडा कर लिए हैं, उसे भी हम डाल दे रहे हैं। डालकर हम इसे मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें मसाला और नहीं डालेंगे। इसमें हम देखिए नींबू, नींबू का बीजा निकाल दिए हैं, इसे हम नींबू भी निचोड़ दे रहे हैं। इसका बीजा को निकाल ले रहे हैं और इसे मिक्स कर देंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा ही दीजिएगा, नमक से अचार ख़राब नहीं होता है, इसलिए नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ेगा। देखिए डाल दिए हैं और इसे हम 1 से 2 दिन के लिए धूप में रखेंगे। दोस्तों आप भी मेरे बताए हुए तरीके से गाजर और सीम का अचार बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगे
तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।